जय हिंद सतो नमस्कार। बात करेंगे एसएससी भर्ती 2015 के बारे में। अगर आप लोग सेकंड लिस्ट की तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कोर्ट की तरफ से सातवां ऑर्डर हो चुका है सेकंड लिस्ट का, तो उस 100% आपको इस वीडियो में सही जानकारी देने वाला हूँ। आपकी जो सेकंड लिस्ट है एसएससी भर्ती 2015 की, वो जारी हो चुकी है। तो लिस्ट में सातवां अपना नाम कैसे देखोगे, और ये जो लिस्ट जारी की गई ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, कैसे डाउनलोड करना है, और अपना नाम इस लिस्ट में कैसे चेक करना है, और अब लिस्ट में से तो कैसे देखना है कि हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है इस लिस्ट में तो अगला प्रोसेस क्या होगा, मेडिकल कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर आप लोग नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको SSC GD जुड़ी कोई भी अपडेट हो तुरंत से तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में सातों अप्रैल में जो ऑर्डर हुआ था जज साहब की तरफ से, तो उस ऑर्डर में क्या चीज़ें बताई गई थी, और उसको तो आपको बताऊंगा जो लिस्ट जारी की गई है उसमें किस बच्चे का नाम आया है। ठीक है, तो ऑर्डर देखने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग केस नंबर से ऑर्डर को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर एक आएगा स्पेशल अपील नाम से, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये काम मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ये स्पेशल अपील। और हमारा जो केस नंबर है वो 39 है। ठीक है, 39 है, ईयर जो है हमारा 2023 है। यहाँ पे मैं 2023 चूज़ कर लेता हूँ, और इस कैप्चा को इस कॉलम में यहाँ पे भर देता हूँ। ठीक है, देखिए सेकंड लिस्ट जारी हुई है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सर सेकंड लिस्ट जारी हुई है क्या। तो उनको आपको बता देता हूँ कि जो नोटिस है उस नोटिस का महत्व तो क्या है और उस नोटिस के मायने क्या है। तो ये कि जो केस था वो यूनियन ऑफ इंडिया और ये सुमित कुमार वाला केस था आपका। ठीक है, तो इस पर व्यू पे क्लिक करेंगे तो केस की जो पूरी समरी है वो ओपन यहाँ पे आपको होके आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग आपको दिखा देता हूँ कि जो डिसीजन डेट थी इसमें वो 3 अप्रैल 2024। ठीक है, मतलब कि 3 अप्रैल को फाइनल डिसीजन हो गया था, लेकिन नोटिस तो नहीं जारी की गई थी और केस आपका बंद कर दिया गया था। ठीक है, इसमें नोटिस में कुछ बताया नहीं गया था कि केस डिस्पोज किस लिए हुआ है और सेकंड लिस्ट आपकी कब तक आएगी या तो सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, तो ये नोटिस में तो क्लियर नहीं किया गया था। हालांकि नोटिस एक जो है वो इनके द्वारा दी गई थी, आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये नोटिस जो है, एक नोटिस आई थी 21/4/2023 को, ये नोटिस आपको आई थी। उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग तो नीचे यहाँ पे 3/4/2024 को एक नोटिस ये जारी की गई थी। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसमें क्या आदेश है उसको आपको दिखा देता हूँ। तो ये डाउनलोड हो रही है नोटिस, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, आपके सामने पूरा काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब ये नोटिस जो है आपको देखो, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा पढ़ लेता हूँ। तो इस नोटिस में कुछ क्लियर मुझे समझ में नहीं आया है, इस नोटिस को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो आप लोग एक बार अपने साथ इसको हिंदी में करके क्लियर पढ़ लेना। ठीक है, अब आपको दिखाने वाला हूँ जो सेकंड लिस्ट वायरल हो रही नोटिस कि सेकंड लिस्ट जारी की गई आपकी और बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से, उस PDF फाइल को आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप ही लोगों में से किसी ने, एक भाई ने मेरे पास ये PDF फाइल सेंड की है। उनका कहना था कि ये सेकंड लिस्ट बच्चों की जारी की गई है, और ये जो देखिए यहाँ पर आप लोग देख लो इस नोटिस में क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव लिखा हुआ है, और ये डेट यहाँ पे कटी हुई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग, यहाँ पे सभी चीज़ यहाँ पे दी गई। और उसके बाद एक हेडिंग यहाँ पे है स्पीकिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये ऑर्डर इसमें बताया गया है, आप लोग देख लो इसमें जो SSC भर्ती 2015 के बारे में बात की गई है सेकंड लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ये रिवाइज सेकंड लिस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिस में, देखिए पूरी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, आप ये नोटिस जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल दे दूँगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लेना। अब देखो इस लिस्ट में, तो इसमें जो है ये बच्चों के नाम है, रोल नंबर है, और यहाँ पे किस कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हुआ, BSF में हुआ है, CIS में हुआ है, SSF में हुआ है, तो ये सभी चीज़ें इस नोटिस में दर्शाई गई हैं। टोटल इतने बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये नोटिस में बताया जा रहा है। ठीक है, और ये नोटिस टोटल 45 लोगों की इसमें नाम दी गई है, मतलब कि 45 लोगों के। और इसमें अगर हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे आप लोग देखो ये हेडिंग में लिखा हुआ है कि
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन ऑफ द सेकेंड रिवाइज एडिशनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू बी द इंक्लूड इन मेरिट लिस्ट और टू बी द एक्सक्लूड फ्रॉम द मेरिट लिस्ट फ्रॉम द रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल जी डी इन सी ए पी एफ एन आई एस एस एफ असम राइफलमैन एग्जामिनेशन 2015। ठीक है, ये 2015 की बात की जा रही रिवाइज एंड एडिशनल सेकेंड लिस्ट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो नोटिस जो है लगभग तो 12 पेज की है, आप लोग इसको हिंदी में डाउनलोड करके पढ़ लेना पूरा सही तरीके से। ठीक है, और इसमें मेरे समझ में समझ से तो बाहर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो समझने लायक भी नहीं है, क्योंकि ये मुझे जहाँ तक लगता है ये नोटिस जो है वो फेक लग रही है। ठीक है, जहाँ तक मेरे जानकारी में, इसको मैं ओरिजिनल नोटिस नहीं कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ ये फेक नोटिस है। जब तक तो कोई सही तरीके से सबूत कोई ना आ जाए मेरे पास, तब तक लिए सतो फेक नोटिस मैं मानूंगा। आप लोग चाहे जितना कहेंगे ये सतो फेक नोटिस नहीं है, लेकिन अभी के लिए सतो मैं इसको फेक नोटिस मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, लगभग 7000 प्लस बच्चों की सेकंड लिस्ट आनी थी, लेकिन इसमें 45 बच्चों की सेकंड लिस्ट के नाम दी गई। सबसे बड़ा तो यहीं पे डाउट हो रहा है, और इसमें बहुत चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। अब इसको पढ़ने में बहुत समय लगेगा और बहुत टाइम भी ख़राब होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ठीक है, ये लिस्ट जो है वो आपकी जारी की गई है। ठीक है, आप लोग देख लो, इसमें इस लिस्ट को पूरी आपको इस वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। ये टोटल 12 पेज की आपकी लिस्ट है, यहाँ पे देखो, ये टोटल इसमें कोर्ट आर्डर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर आर कंप्लाइंट ऑफ द ऑर्डर डेट 3/4/2024। तो आप लोग पता है कि आपकी जो मैंने आपको दिखाया था कि डिसीजन जो आपकी डेट थी वो 3 तारीख को डिसीजन लिया गया था, 3 अप्रैल को। ठीक है, तो उसमें कुछ बताया नहीं गया था कि सेकंड लिस्ट आपकी जारी होगी या नहीं होगी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ कि हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड द क्लेम ऑफ द रीट पिटिशन हैज़ बीन ड्यूली कंसीडर्ड अप्लीकेंट कांस्टेबल जीडी। ठीक है, तो उम्मीद तो है साथियों, अगर आपकी सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगी तो आपके लिए बहुत ये सुनहरा पल है, सुनहरा मौसम है, और साथियों सुनहरा मौका रहेगा, तो आप लोग इसे जाने मत देना। तो जैसे कोई सही जानकारी मिलती है आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।